हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिया स्टडी टेक्निक। देखन फ्रेंड्स, आपण मानक मनरे बहुत सारा डाउट थिला प्लस थ्री सेकेंड फेज रे आमको सीट मिलिबो कि नाही, किंबा आपण माने सेकेंड फेज रे आवेदन करिपरिबे नाही, आपण को कॉलेज सिलेक्शन करिबो कि नाही, एमिति बहुत सारा डाउट आपण मानक रही जाउची। एही वीडियो माध्यम रे समस्त डाउट आपण मानक क्लियर होई जिवो, जेहेतु आपण मानक 9/8 बा 9 अगस्त 2024 रे नोटिस आसी साम्स तरफ रु, जोटे कि आपण मानक प्लस थ्री सेकेंड फेज रे कौन सब गाइडलाइन रोज से संबंधी आपण मानक ये नोटिस रे मु जणैबी। वीडियो टी को शेष जाय देखिबे, 3-4 मिनिट वीडियो रहइबो। जदि वीडियो पसंद आसीबो लाइक करनेबे, सांग मानक मध्ये शेयर करिबे, चैनल रे नुवा थिले एमिति अपडेट देखिया पई सब्सक्राइब करिके ऑल नोटिफाई बटन मध्ये क्लिक करै नेबे। आजर डेट आपण माने एई जगह रे देखि पर्थुबे। आपण मानक सब्जेक्ट कोन अछि देखंथु, गाइडलाइन एंड टाइमलाइन फॉर एडमिशन इनटू फेज 2। तो एटा फेज 2 रो 2024-25 बैच रो आपण मानक गाइडलाइन एंड टाइम लाइन आसी कौन ए सब अच्छी मुझे जनाऊँगी गोटे पर गोटे स्टेप बाय स्टेप। देखो, 1 नंबर लिखाई थी फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स एलिजिबल टू अप्लाई। जो मैंने फेज 2 पर आवेदन करने इच्छुक अच्छा बा एलिजिबल हे, तो निहाती भाव आप आवेदन करेंगे। कौन गाइडलाइन रही, प्रथम ए रे रही एप्लीकेंट्स हू हैव नॉट अप्लाइड ड्यूरिंग द फेज 1 एडमिशन प्रोसेस ड्यू टू वेरियस रीजन। जो मैंने फेज 1 ले एडमिशन करनथिले किंबा अप्लाई करिनथिले, जो आप्लिकांट्स माने बा स्टूडेंट माने फेज 1 ले एडमिशन करना कि से माने कोनोसी रीजन कारण रु से माने अप्लाई मध्ये करी नथिले, तो से माने एथिरे फेज 2 रे ही एडमिशन करी परिबे बा आवेदन करी परिबे फेज 2 रे कॉलेज बा जे कोनोसी ऑनर्स पाई। सेकंड रहले आप्लिकांट्स हु वेयर प्रीवियसली अप्लाइड इन फेज 1 एडमिशन प्रोसेस बट नॉट सिलेक्टेड ड्यू टू वेरियस रीजन। जदि आपण माने फेज 1 ले एडमिशन पाई आवेदन करिथिले किंतु आपणकर सिलेक्शन होती कौनसी कार्यवशत किंबा आपण मानकर कौनसी प्रॉब्लम पाई कौनसी रीजन पाई आपण माने से कॉलेज रे एडमिशन नहीं पारि नांती, किंबा कौनसी कॉलेज आपणको कटअप को देखिकी सिलेक्ट कला नै कम परसेंट रखिथिबे, कटअप अनुसार आपण सिलेक्शन हेले नै, ताहाले आपण माने मध्य फेज 2 पाई आवेदन करि पारिबे। एटी सी रे कौन रही, आप्लिकांट्स हु वेयर प्रीवियसली सिलेक्टेड बट नॉट टेकन एडमिशन इन फेज 1 एडमिशन प्रोसेस ड्यू टू वेरियस रीजन। आपण माने पूर्वरु सिलेक्शन होइदिले किंतु फेज 1 ले आपण एडमिशन करिले नाही ड्यू टू वेरियस रीजन, ताहले मध्य आपण माने एथिरे कोन करिवे ना जहा भी आपण फेज 2 पई आवेदन करि पारिबे। तापर आपणकर एटी 2 नंबर कौन मेंशन अच्छी ना, 2 नंबर ये देखते मेंशन अच्छी, मेंशन इन द कॉमन प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्टस 2024-25 दि आप्लिकांट्स हु हाव ऑलरेडी बीन एडमिटेड इन दि एनी ऑनर सब्जेक्ट आट एनी ऑफ दि हायर एजुकेशन इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग दि फेज 1 एडमिशन प्रोसेस आर नॉट एलिजिबल टू दि पार्टिसिपेट इन दि फेज 2 एडमिशन प्रोसेस। यही तो फ्रेंड्स मैंने आपण मानक बहुत बड़ा बैड न्यूज अटे, कहीं जो मैंने भी फेज 1 ले एडमिशन करते फेज 1 ले जो मैंने एडमिशन कर सारी, जदि आपण मैंने चाहूँ मुझे कौन सी ऑनर्स चेंज करी कि अलग कौन सी कॉलेज को ट्रांसफर करी बा स्पॉट रे आवेदन करते एडमिशन करना, तो मन करूँ आप कॉलेज रु आउ गोटे अनदर कॉलेज को आवेदन करने चाहूँ, तो सहीटा आपण द्वारा एवं फेज 2 रे पारना। जदि आपन ऑलरेडी एडमिशन हो सारी आपन को एटी साम्स तरफ गाइडलाइन लग जाए आपण मैंने फेज 2 रे कौन प्रकार एलिजिबल हे ना आवेदन करने, ये भलसे मन दे शुणिले समस्ते जो अनर्स आपड़ रखिंट से ही अनर्स हिं ए पढ़ापी आपण मैंने बाध्य हे, कहीं साम्स गाइडलाइन आसी जदि आपणसी कॉलेज रे ऑलरेडी एडमिशन करते फेज 2 पर आपण मैंने आवेदन करें। जदि आपण मैंने चाहूबे एवेदन करने तेल आपण मैंने ट्विटर साहय साम्स को ट्विट करूँ, जदि से मैंने अनुमति दे कि नुआ गाइडलाइन आणवे यही सम्बन्धी ताल आपण मैंने कौन करेंगे ना एलिजिबल हो पारे आवेदन करेंपर आपण मान फेज 2 पर कमी कौन आवेदन करेंगे ता तो आपण मैंने भलसे जानते फेज 1 ले जो मैंने फर्म आवेदन करते सेम प्रोसेस फेज 2 रे ही आवेदन करेंगे, फर्म टी आपमती ही फिलअप करेंगे। जदि एक्सट्रा डाउट किसी आप मन में रही जाऊँगी कमेंट सेक्शन में पचारिपारे, ना इनस्टाग्राम लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेगी डायरेक्ट मत इंस्टाग्राम रे मेसेज करेंगे। ता सहित आपण मैंने जानते हैं आप बहुत जल्दी फेज 2 रो लिस्ट आसीज आपदन कभी करेंगे से जनईदेवी, तो जहाँ भी आपड़ मैंने वीडियो भल लगी हेल्प होते सब्सक्राइब करके रखने।